अभी आ चुके हैं हम लोग बोटिंग करने के लिए, और बोटिंग करने के लिए नीचे जा रहे हैं। तो ये कुछ कुछ शॉप्स हैं यहाँ पर बहुत सारी, जहाँ पे सेम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अभी ये सब चीजें देख रहे हैं, ये सब चीजें मिलती है यहाँ पर, और ये सब चीजें हैंडमेड होती है, यहीं के मार्बल से बनाई जाती है सब चीजें। और जो हम वहां पर धुआंधार देखने गए थे, वहां से ये बोटिंग का सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। और ये सब चीजें, और हम जा रहे हैं सीधा नीचे बोटिंग के लिए। तो चलते हैं, और मम्मी लोग यहाँ पर कुछ कुछ चीजें ले रहे हैं। और आ चुके हैं हम हमारे बोटिंग के एरिया में, और ये है कुछ ऐसा बोटिंग का एरिया। ये कुछ लिखा हुआ है, और ये है, और ये बुकिंग ऑफिस है बोटिंग का। अभी आ चुके हैं हम, हमारी बोट पे बैठ चुके हैं, शेयरिंग वाली बोट है हमारी। सागर वहां बैठा हुआ है, तो निकलते हैं। पूरी नदी, और अभी मस्त सनसेट भी हो रहा है। बोटिंग का एक्सपीरियंस आपको बोटिंग के बाद बताएंगे कि कैसे पैसे के लिए यहाँ पर सब रोकते हैं। तो अपना दिमाग लगाना है, और शेयरिंग बोट की है, आप फैमिली बोट भी कर सकते हो। फैमिली बोट का हम 800 रुपये बता रहे थे, सिर्फ हम 4 जन रहेंगे। और अगर आप शेयरिंग बोट करते हो तो सारे लोग रहते हैं, शेयरिंग बोट में कम से कम 10 से 15 लोग रहते हैं। तो चलते हैं, और लाइफ जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तैरना वैरना ये आप लोग सब हाय बोल दो। ये भैया लोग को सबको हमारे साथ शेयरिंग बोल रहे हैं। सागर है पीछे है, और भैया के साथ हम लोग भी जा रहे हैं। हम देखते हैं लाइफ जैकेट वगैरह कुछ नहीं है, आगे क्या होता है, जो भी होता है आपको बताएंगे। और सबके मन में यही डर है, एक्साइटमेंट तो किसी भी नहीं, यही डर है कि लाइफ जैकेट पहना नहीं है और कैसा होता है। पर अभी मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुका है, और सब हम जा रहे हैं मस्त बढ़िया मौसम के साथ। और यहाँ पर बहुत सारी मूवीज की भी शूटिंग हुई है। तो लोग के आगे तक यहाँ की गहराई अभी 80 फीट थी। अच्छा 80 फीट, जितना आगे बढ़ते जाते ना उतना गहराई बढ़ता जाता है। 80 फीट डीप, मतलब का नाम बता दीजिए। बड़ा ये कर रहे हैं काम, बाकी में बदलाएंगे ना। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आपका वीडियो बन रहा है ब्रो? हाँ बोलते जाइए, बोलिए थोड़ा आगे से। अच्छा, पूरे इंडिया देखेंगे आपको यहाँ के बारे में जी। अब टिकट पूरा हो गया, पैसा निकालो। अच्छा भैया, गोल घुमा लेते कि है इसे? नहीं नहीं, वहाँ लेके जाएंगे, नहीं पाता। चलो, और हम जाने वाले हैं उधर साइड से, क्योंकि इधर साइड में भाव ज्यादा है। बैठ जाएंगे ना, को नहीं खाता गोरे लोग को खाता। मस्त दीजिए। तो भाव इधर साइड है, इधर साइड है, और इधर साइड जा रहे हैं। सर सभी लोग देखेंगे, आप लोग बीच वाले ढाबे में रखे भोलेनाथ, ये ब्लैक शिवलिंग आप लोग मानते हो, प्रेम से बोलो, हाथ बोलो शंकर भगवान की, नर्मदा मैया कन्हैया की। ये शिवलिंग ना बढ़ते हैं पूजा पाठ करने से, भूतेल लगाने से, महाशिवरात्रि के दिन ये तिल के बराबर ऑटोमेटिक रावड़े देते हैं। नर्मदा के कंकड़ कहलाते हैं शिव शंकर, मानो तो शंकर ना मानो तो कंकड़। अभी हुआ है एंट्री, आने से करेंगे कमेंट्री। जब आएगी मार्बल की साइड, ऑटोमेटिक बोलेगा गाइड, वेट फॉर कमेंट्री पॉइंट, वो इंतजार का मजा लीजिए। पीते हैं 12 महीना पानी, देखने में ग्रीन, हाथ में लेने में क्लीन, पीने में बेहतरीन, रनिंग वाटर ऑलवेज क्लीन।
जितना पानी पियोगे पीते हुए जाओगे एकदम मीठा पानी एकदम सादा, लेकिन ज्यादा भी नहीं पीना है क्योंकि बोर्ड में लोड हो जाता है जी। सर यहाँ पे ना, यहाँ पे मछली मारना, स्विमिंग करना, फाटा तोड़ना नॉट अलाउड, ओनली है सुसाइड अलाउड। वो भी बोर्ड से, रोड से, जो बोर्ड से करता हम लोग बचा लेते हैं और घाट में ले जाके बड़े प्यार से मारते हैं। कुछ लोग आते ना गहराई कूदते कूदते कूद जाते हैं, पूरा भाई की पूरा डूब जाता बाहर। हम लोग 15 दिन से बोर्ड बंद कर देते हैं, 15 अक्टूबर में चालू कर देते हैं। 8 बजे आओ ना, इसके बीच में क्या करते हो? मछली, बस ठीक है, अपन मछली पकड़ते हैं। कॉल कर देना, मैं तुरंत लेकर जाऊंगा गाड़ी लेके। सर अलाउड कर ले, काम ही नहीं करता तो मजबूरी के नाम होता है। यहाँ अगर मछली का अलाव कर देंगे तो ये मछली घाट बन जाएगा पूरा। क्या करते हैं? मछली जल की रानी है, शाम को तल के खानी। आसमानी कलर की चट्टाने, काले नीला लाइट है ब्लू, और बोट वाला करता है कमेंट शुरू। देखेंगे सर दूसरी साइड मार्बल आ गया मेरे के लिए वाइट, सर जैसे काला है टोरे में तो वाइट। सर बोलते ना सर जी काला है तो क्या हुआ, वो आपके लिए छोड़ा था, आप भी बहुत अच्छा बोल लेते हो। यहाँ की गहराई 220 फीट गहरा है सर, जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना गहराई बढ़ता जाता है, लास्ट गहराई है 600 फीट। बोर्ड बैलेंस बैठो, चैलेंज बना के बैलेंस, कोई डरने का बात नहीं है, डर के आगे जीत है, माउंटेन डू पिया करो। हाँ अब ये नहीं बोलना कि दिया करो, खुद लेके पिया करो। ये साइड गड्ढे का एक सूटे निकाला सर यहाँ का, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्रेमनाथ सात रेखा सुनील दाद ने प्रेमनाथ को उठा उठा के फेंका, हाँ मारते मारते गड्ढा हो गया मार्बल तक बहन, जितना मार मारा ढसुम ढसुम। सर ये देखना है पिंक कलर, हल्का गुलाबी हरी घास के पास हल्का सा पिंक देखेगा, कोने पे देखो पिंक कलर, ये गुलाबी मार्बल। मजाक के लिए बोलते नहा के बैठी थी रेखा, और रेखा की साड़ी का कलर रेखा उतनी ज्यादा पिंक हो गया मार्बल। साड़ी तो बॉम्बे की थी इसलिए कलर चला गया था, जबलपुर की होती फट जाते कलर नहीं जाता। सर ये सामने वाली जगह का नाम नेचुरल की भूल बनैया कन्फ्यूजन पॉइंट। सर मैडम गैस करो, अंदाजा लगाओ चलना है क्या साइड, सही बताने वाले को मिलेगा बंपर प्राइस। बताइए सर लेफ्ट ना राइट, सभी लोग को रास्ता बताना है सर सामने पे, लेफ्ट ना राइट करो ना साइड, कर लिया ना साइड, हाँ अब ले लो बंपर प्राइस, जो बोलेगा सही उतार देंगे यही। यही है बंपर प्राइस। भूल भुलैया पॉइंट सर, देखो बैक साइड स्लेटी मार्बल लगा हुआ ग्रे स्टोन, जिसमें पहले के बच्चे लोग ना काफी लिखते पढ़ते, आजकल के बच्चे कागज खराब करते हैं, मम्मी पापा को परेशान करते, बच्चे लोग मारते हैं नकल उनको नहीं आती अकल, खेलते फ्री फायर बिगाड़ लेते सकल, फिर आती है शादी के बाद अकल, घर में जब बीवी आती ना सुधार देती है, दो बेलन सुबह और दो बेलन शाम। हाँ ये थोड़ा सा ये कोई मेंबर बोलता कोई भी अगली बारी
ये ऊंचा वाला पहाड़ देखो, ये गोल्डन मार्बल मेघानाथ गोल्ड। सेकंड मूवी निकाला यहाँ का जंजला। कलाकार धर्मेंद्र ने शत्रुघ्न सिन्हा जंपिंग टॉप, लेकिन सर वो जंप नहीं लगाते हैं, उनके डबिंग कराए जाते हैं। अगर वो जंप लगाएंगे दोबारा फिल्मों में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ की गहराई ज्यादा नहीं है, 350 फीट गहरा है। सर तैरने वाले को ना 1000 फीट कम होता है और मरने वाले को चुल्लू भर काफी होता है। उदाहरण है श्री देवी डप के होने डप। धर्मशाला ढूंढते फिरते हैं, लेकिन साला आप लोग बोल तो नहीं हो रहे कमेंट में। अरे ये लोग एक नंबर प्यूमाइस ये देखो बोर्ड के सामने का सीन दिया, फिल्म अशोका देखा है। बोर्ड के सामने का सीन करीना मैडम सारो खान, करीना मैडम ना डांस करके गाना गाती है, रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। 2003 मई का था महीना, तभी से बोर्ड वालों को बहता है पसीना। यार एक नंबर है यार, हमें होटल टाइम में पार्टी के दिन बाइक की तरफ से यही से टाइम मिलता हमको। बताएंगे आप लोग कैसे हो इतने सारे छेद, कौन सी मूवी की शूटिंग की गोलियां चल रही है? अरे इतना गोली मारेगा कौन, कंपनियां खाली हो जाएंगी। बताओ कैसे हो सकते छह सर, थोड़ा सोचो अंदाजा लगाओ। मगर को मारते ना यही वाला सीन, कौन के मगर मछ लाया था, असली का नहीं, असली का होता है इतने फिल्मों में नजर नहीं आता। सामने देखो फिलोज पहाड़, बंदर बिल्ली, मंकी पॉइंट। कभी रामराज्य पहले ना 12 फीट की दूरी थी, कूद गए थे बंदर, अभी कूदेगा बंदर जाएगा 600 फीट के अंदर। भैया सीन वगैरह निकाल लीजिए, सभी लोग अपना लास्ट पॉइंट होता है। सामने का सीन दिया, डंकी मूवी देखा, शाहरुख खान का नया शूटिंग निकाला सर। ये सामने का सीन डंकी मूवी, जो शाहरुख खान ना मोटर बोट से भागता है, यही वाला सीन दर्शाते हैं। सीन वगैरह निकाल लीजिए, अपना लास्ट पॉइंट होता है सर। पानी का बहाव देख सकते हैं कितना तेज, सरंगदार डंकी से गोली चलाते हैं। ये डंकी मूवी का शूट हुआ, ऊपर से फायरिंग वगैरह चलती है, तो शाहरुख खान ना मोटर बोट से भागता भाई साहब, यही वाला पूरा सीन दर्शाते हैं। छुपते हैं ऐसे कहीं सामने बाजू में छुपते हैं। टॉप पे देख लो कार, जिसने देखी वही रखा टॉप पे। कितने समय लगने हुए भैया, आपको चलाना भी नहीं पड़ेगा। कार का शेप बना हुआ है, भैया ने जैसे बनाया वो डंकी मूवी की शूटिंग भी हुई है अशोका। वो दीदी छोटा बोट है, अभी समझ में आता है पूरा बैकग्राउंड, भारत का नक्शा इंडिया का मेप बनता है पूरा। सर सभी लोग ना ये सामने का सीन निकालेंगे, आप लोग सामने का बैकग्राउंड, लाइट ब्लू मार्बल, दूर से क्लियर, पास से देखा, इंस्टाग्राम का न्यू पोस्ट। ये सीन ना मार्केट में बेचा जाता, सीनरी बना के देखा होगा आप लोगों ने। ब्यूटीफुल दिख रहा है, यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी सीनरी है पूरी मार्केट। ये ऊंचा वाला पहाड़ देखो, सुसाइड पॉइंट, ऊंचा वाला पहाड़ सबके लिए नहीं है सर, कॉलेज में होते छोकरा छोकरी फेल, डायरेक्ट यहाँ से पास, देख लो जगह है खास। सर कॉलेज वाले यहाँ आते हैं, जो अपनी बीबी से परेशान हो जाते हैं, धुआंधार चले जाते हैं वाटरफॉल, रेलिंग के बाहर खड़ा करते, बोलता थोड़ा पीछे जाइए जी, अच्छा सेल्फी आएगा, थोड़ा पीछे बीबी धुआंधार के नीचे, डबल सेल्फी ऊपर। जिसकी बीबी को तैरना आता ना बच जाती है, फिर सुबह शाम बेल नहीं बेलान और झाड़ू झाड़ू मारती है।
दोपहर में मार दिया झारिया, मार मार के कर देती झारिया। जो पीछे अंकल बैठे ना, उनने किया था एक बार स्टीयरिंग मास्टर, उनकी बीबी को तैरना आता था, बच गई। अब रोज पेटी आते, कभी बेलन कभी झाड़ू। ये देखो सर, गिरी हुई चट्टाने, वही निकलते मगरमच्छ। ज्यादा नहीं है यहाँ पे, दो बड़े दो छोटे, मम्मी पापा दो बच्चे, देखना है क्या मगरमच्छ। आउटसाइड होगा, झूठ क्यों फैला के रखे लोगों ने यहाँ पर बोटिंग में? पहले आ जाते, बारिश में भी आ जाते ना सर, बागी डैम से आ जाते। अच्छा जी। ये देखो दो बच्चे डरते हुए नजर आएंगे सर, काले काले भव्य बने हैं, ब्लैक ब्लैक दो चित्र, स्लेटी मार्बल के साइड में देखना दो चित्र बने। हाँ, उन्हीं का नाम सोनू एंड मोनू, एक हाफ पैंट दूसरा फुल पैंट, पैंट के पीछे झगड़ा, उनकी मम्मी ने लगड़ा, मौसम बना लिया तगड़ा। सर यहाँ नाइट बोटिंग होता है शरद पूर्णिमा के दिन, पहाड़ों में लाइट वगैरह लगा हुआ, देख सकते पीछे साइड। हाँ, ऐसे घूमना कभी चांदी घाट में, फैमिली और साथ में, फिर घूमना भेड़ा घाट में, वो जिसकी बीबी नहीं हो साथ में, पूरी बोतल लाना हाथ में, उसको भी घुमाते रात में, 8 से 12 घूमना हो आ जाना दोबारा। फिर ऐसा बोर्ड नहीं चलाते सर, शेयरिंग वाला बंद कर देते, फैमिली वाला बोर्ड चलाते, आप क्या फैमिली रहेगा, बुक करना पड़ेगा आपको। क्या ना, जो जबलपुर के लोकल लोग लड़के आते ना, वो लोगों को परेशान करते, इसलिए हर पूर्णिमा में नहीं रखा है, पहले होता था हर पूर्णिमा में, अब एक ही में रखा है शरद पूर्णिमा ओनली। नाइट बोटिंग शरद पूर्णिमा को आता है अक्टूबर के महीने में जी, अगर उस दिन नहीं होता है तो फिर मई के महीने में होता है, 5 मई से 10 मई तक। चोट डोर से बोर टकराती, हाथों में आती चोट, डॉक्टर साहब भी मांगता है नीले पीले नोट। सर ऐसी लगाएंगे बोर्ड, किसी को नहीं आएगी चोट, पेमेंट भी कर देना आप लोग, फिर देखना घर की रोड। सर अच्छा लगा हो गाइड को देना, बख्शीश वगैरह प्रेम बुद्धि से मिलता है, जो भी इच्छा हो। और देखो ऊपर वाले, जेब में ना मोबाइल पर्स वगैरह नहीं भरना है, झुकते समय गिर सकता है नदी के अंदर। यहाँ पे ना सर बहुत सारे मोबाइल गिर चुके हैं, 199 200 नहीं हो पा रहे हैं। हाँ सर, फिर ना मछलियां भी सेल्फी निकालती हैं और अंदर भी मिस कॉल भी मारती हैं। हाँ सर, बोलती है हेलो, पानी में आके मोबाइल ले लो। नहीं सर, वहां जाएंगे दैनिक भास्कर में नजर आएंगे। पानी का आवाज सुनिए आप लोग, पानी का आवाज आ रहा सर, सुनो पानी का आवाज, जहाँ पानी उछलते हुए जा रहा ना, वहां दीप कम है, वहां 2 फीट गहरा है, इसलिए आवाज कर रहा है, यहाँ 80 फीट इसलिए शांत। सर जो जितना गहरा होता ना उतना ही शांत, इंसान हो या पानी, और एक ही है कहानी। आप लोग सर मोबाइल पर्स वगैरह चेक कर लेना, कुछ भूल के नहीं जाना है बोर्ड पर, आराम से उतरना है 1x1, सिर झुका के रोड बजा के व्हाइट वाला, सिर में रोड वगैरह नहीं मानना है, क्योंकि सिर में लगती है राड, बार बार याद आता भेड़ा घाट। आइए कभी सेकंड चांस, वेलकम टू भेड़ा घाट, आकाश गाइड फिर घुमाएगा मून लाइन। व्हाइट वाला मार्बल देखना सर, लास्ट मार्बल है यहाँ का, लास्ट का जी, नहीं यहाँ मार्बल टूटेंगे तो 2 बार फांसी है। अरे भैया लगे रहते हैं पुलिस वाले। भैया थैंक यू सो मच जी, आइए सर सेकंड चांस, वेलकम टू बेड़ा घाट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी अभी हो गया हमारा घूमकर, और बैठ गए हम छोटे से हमारे रिक्शा पे और जा रहे हैं सीधा घर की तरफ। तो इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहाँ पर ही खत्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।